राजगढ़ जिले की ब्यावरा पुलिस ने आटे के पैकेटों के नीचे छिपा कर ले जाया जा रहा 30 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया है। जब्त माल की कीमत 86 लाख बताई गई है। दरअसल इंदौर तरफ से आ रहे ट्रक क्रमांक HR 69B 3322 में भारी मात्रा में डोडा चूरा ले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। भोपाल चौराहे पर पुलिस ने नाका लगाकर वाहनों की जांच शुरू की। नाकाबंदी के दौरान इंदौर तरफ से आ रहे उक्त ट्रक को रोका गया। पुलिस टीम को देखते ही ड्राइवर ने ट्रक दौड़ा लिया। ऐसे में घेराबंदी कर ट्रक को रोका गया। मोहाली पंजाब के रहने वाले ड्राइवर गुरसेवक उर्सेवा सिंह पुलिस को पहले तो गुमराह करता रहा। तलाशी लेने पर आटे की बोरियों के नीचे काली प्लास्टिक के कट्टों में डोडा चूरा मिला। 150 कट्टों की तौल करने पर इनका वजन 3000 किलो पाया गया। पुलिस ने डोडा चूरा के साथ प्रीमियम कंपनी का 140 किलो आटा और ट्रक जब्त किया है। जब्त माल की कीमत 86 लाख रुपए बताई गई है। डोडा चूरा की भारी मात्रा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। मध्य प्रदेश में डोडा चूरा की आवक मंदसौर, नीमच और जावरा की तरफ होती है। दरअसल डोडे में कुछ मात्रा में अफीम होती है। ये एक तरह से अफीम का फल होता है। अफीम निकाले जाने के बावजूद कुछ मात्रा डोडे पर रह जाती है। इस कारण से डोडा नशीला रहता है। पंजाब और हरियाणा में डोडे का पानी सरकारी ठेकों से बिकता है। इसकी तस्करी भी की जाती है।